मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक हमने इंग्लिश की क्लास में कर्सिव लेटर में ए बी सी एंड डी है ना, ए बी सी डी हमने सीख ली है। आज हम नेक्स्ट लेटर सीखेंगे ई। ओके, आज हम क्या सीखेंगे? ई। तो बेटा अगर आपको ए बी सी या डी किसी भी लेटर में कुछ भी प्रॉब्लम आए लिखने में या समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लोगे। ओके, तो आज हम लिखेंगे ई। ई हम कैपिटल में कैसे लिखते हैं? ऐसे, ना? कैपिटल लेटर में हम ई ऐसे लिखते हैं। और स्मॉल में हम स्टार्ट करते हैं मिडिल लाइन के सेंटर से। कैसे? पहले हमने बनाई स्लीपिंग लाइन, ठीक है, और इसी स्लीपिंग लाइन को घुमाते हुए टच करते हुए हम बना देते हैं सी। क्या हो गया ये? सी। ये कौन सा लेटर लिखा हमने? स्मॉल लेटर में ई। और आज हमें सीखना है कर्सिव लेटर में ई। तो कर्सिव में हमें क्या बात होती है ध्यान रखने वाली? कर्सिव लेटर में हमें एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें एक ही फ्लो में लेटर को कंप्लीट करना होता है ना, हाथ बीच में नहीं उठाना होता। अदरवाइज अगर हम बीच में हाथ उठाएंगे तो वो सुंदर नहीं लिखा जाएगा। ओके, कैसे लिखेंगे हम? देखो, ये आपको ऐसे मिडिल लाइन में ही लिखना है। करते बैठे तक ई ओनली मिडिल लाइन में लिखा जाएगा। कैसे? पहले बनाएंगे कर, ठीक है, ये कर बनाया आपको दिखाने के लिए। मैंने हाथ हटाया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके, है ना। जहां पे ये कर्व हमने खत्म किया है वहीं से घुमाते हुए हमें ई बना देना, सॉरी सी बना देना है। कैसे? यहाँ पे खत्म हुआ, यहीं से घुमाते हुए हमें सी बनाना है। ये सी बन गया है ना। पहले हमने फर्स्ट स्टेप में कर्व बनाया, सेकेंड स्टेप में सी बनाया, थर्ड स्टेप में हमें सी की बोल को ऊपर तक लेके जाए। क्या है ये? ई। कर्सिव लेटर का ई। स्टेप बाय स्टेप कैसे किया हमने? पहले देखो, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप में कर बनाया, सेकंड स्टेप में कर बना के बनाया, ओके। थर्ड स्टेप में हमने इसको कर बना के सी बनाया और इसकी निकाल दी फेस। क्या लिखा है ये हमने? ई, है ना। स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। फर्स्ट स्टेप में हमें एकदम इजी सिखा रही हूँ वे में आपको। सबसे पहले कर बनाना है, जहां पे कर खत्म करेंगे वहीं से घुमाते हुए हमको सिंपल, एकदम सिंपल सी बनाना है, छोटा सा लाइन को टच करते हुए। अब उसी सी की टेल निकाल देंगे ऊपर तक, तो ये हो जाएगा सी। सिंपल है, देखो कैसे। कर बनाया, सी बनाया और सी की निकाल दी टेल। ये हो गया सी। हाथ नहीं उठाना, एक ही फ्लो में लिखना। बनाएंगे और इसकी निकाल देंगे फिर। ये हो जाएगा ई। कर बनाएंगे, यहीं से घुमाते हुए ई बनाएंगे और इसकी निकाल देंगे हम टेल। ये है हमारा ई, ठीक है। कैसे लिखना है हमें? कर बनाना है, फिर सी बनाना है और इस सी की निकाल देनी है हमको टेल। ये है हमारा ई। कर बनाएंगे,
बनाएंगे और इसे निकाल देंगे टेल। तो ये क्या हो रहा है, टी। क्या लिखा है हमने, टी। ओके ठीक है बेटा, समझ में आया क्या करना है हमें। पहले कर्व बनाना है, कर्व जहाँ पे खत्म करेंगे वहीं से सी बनाना है, और सी जहाँ खत्म करेंगे उसकी टेल निकालनी है। ओके, ऐसे में हम हमेशा जो भी लेटर लिखते हैं उसकी लास्ट में टेल जरूर निकालते हैं। देखो कैसे लिखना है, कर बनाएंगे, सी बनाएंगे और इसकी निकाल देंगे टेल। क्या लिखा है हमने, ई। कर बनाया, सी बनाया और इसकी निकाल दी हमने टेल। तो ये क्या लिखा है, सी। बिल्कुल हार्ड नहीं है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। देखो कैसे लिखना है, कर बनाएंगे, सी बनाएंगे और इस सी की निकाल देंगे हम टेल। क्या लिखा है हमने, ई। कैपिटल लेटर में हम ऐसे ई लिखते हैं, फिर हमने सीखा था स्मॉल लेटर और आज आपने सीखा है कर्सिव लेटर का ई। इसके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट स्टेप है इसका कर्व, सेकेंड स्टेप है इसका जहां से कर्व खत्म हो रहा है वहीं से सी बनाएंगे, थर्ड स्टेप में कर्व सी और इसकी निकाल देंगे टेल। सिंपल। अगर और ये ध्यान रखना है आपको कि एक ही फ्लो में इसको कंप्लीट करना है ना, सेकेंड फ्लो नहीं लाना है इसका। ध्यान से लिखना ओनली मिडिल लाइन में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना। अच्छा, अब मैं आपको एक पोयम लर्न करवाऊंगी फ्रूट की। ओके, तो अच्छे से सुनना और उसको लर्न करना। मोनो फ्रूट वी मस्ट ईट, नो चॉकलेट नो स्वीट, फ्रूट मेक अस स्ट्रॉन्ग, फ्रूट मेकर लिव लॉन्ग। तो हमें फ्रूट खाने चाहिए। ओके, ये पोएम भी लर्न करेंगे और ये वर्क भी अच्छे से करेंगे। बाय।